वनवास किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चॉकलेट ट्रफल केक की एक ऐसी रेसिपी जिससे आपका जो केक है वो बहुत ही सॉफ्ट, मॉइस्ट और स्पॉन्जी बनेगा। इसे बनाने का तरीका बहुत ही आसान है और ये टेस्ट भी बहुत अच्छा करता है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी। इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक कटोरी शक्कर। अब हम इसमें डालेंगे एक कटोरी दूध, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे ही मैंने लिया है, ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा। आधा कटोरी तेल, इसकी जगह आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसमें जाएगा एक चम्मच विनेगर, ये मैंने इसमें एक चम्मच विनेगर डाल दिया। इन सारी चीज़ों को हमें मिक्सर में अच्छे से पीस लेना है। यहाँ पे दूसरे बर्तन में मैंने लिया है डेढ़ कटोरी गेहूं का आटा। अब इसमें मैं डालूंगी 2 से 3 बड़े चम्मच कोको पाउडर, इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। हल्के हाथ से हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। सारी चीजें अच्छे से मिलने के बाद हम इसमें बाकी की चीजें ऐड करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा और सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। आप चाहे तो ये सारा मिक्सर छान भी सकते हैं, उससे भी ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब इसे हम साइड में रख देंगे और दूसरे बर्तन में मैं लूँगी जो ग्राइंड किया हुआ हमारा मिक्सर था, वो जिसमें हमने डाला था 1 कटोरी शक्कर, 1 कटोरी दूध, 1/2 कटोरी तेल और 1 चम्मच विनेगर। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेना है। देखिए इसमें कोई लम्स नहीं है। अब इसमें हम डालेंगे हमारी तैयार की हुई सूखी सामग्री। जो सूखी सामग्री है वो हमें थोड़े थोड़े बैच में इसमें डालना है और अच्छे से हम इसे मिला लेंगे। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेना है। यहाँ देखिए मैं इसे कट और फोल्ड इस मेथड से इसे मिक्स कर रही हूँ, या फिर आप नॉर्मल भी इसे मिक्स कर सकते हो। सिर्फ अच्छे से सारी चीज़ें इसमें घुल जानी चाहिए और जैसे ही सारी चीज़ें इसमें मिलेगी इसका कलर चेंज होने लग जाएगा। अब इसमें मैंने बाकी का मिक्सर भी डाल दिया है, बचा हुआ सारा मिक्सर मैंने इसमें डाल दिया है और इसे अच्छे से मिला लेंगे। दोस्तों ये केक बनाने का सबसे आसान तरीका है, क्योंकि आधी से ज़्यादा चीज़ें हमने मिक्सर में ही ग्राइंड कर ली थी और बस अब हमने इसमें हमारी सूखी सामग्री को ऐड कर दिया है। देखिए ये अच्छे से अब मिक्स हो रहा है, इसका कलर चेंज हो रहा है। जैसे ही सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएगी ये कुछ इस तरह दिखेगा। अब इसमें सारी चीज़ें अच्छे से मिल चुकी है, लेकिन ये केक बैटर के लिए थोड़ा गाढ़ा था इसलिए मैंने इसमें 1/2 कटोरी पानी ऐड किया है। अब इसे भी अच्छे से मिला लेंगे और इसे एक स्मूथ बैटर में बना देंगे। आपको इसे तब तक मिलाना है जब तक ये स्मूथ ना बन जाए। देखिए ये अच्छे से स्मूथ हो चुका है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल बराबर है। अब ये मेरा केक बैटर अब ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। हम इसे अब केक के बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए बिल्कुल स्मूथ हो चुका है ये। अब यहाँ पे मैंने लिया है एक केक का बर्तन, आप किसी भी आकार का बर्तन ले सकते हो। इसे मैंने अच्छे से बटर लगा दिया था और उसके ऊपर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैदा छिड़का है। आप चाहे तो गेहूँ का आटा भी छिड़क सकते हो। और फिर मैंने इसमें डाला है हमारा तैयार किया हुआ केक का बैटर। सारा बैटर हम इसमें डाल देंगे। देखिए अब इसे अच्छे से फैलाना है, इसके लिए हमें बस इसे 2 से 3 बार अच्छे से टैप करना है और ये अपने आप ही अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा। देखिए ये इवनली सब जगह फैल चुका है। अब हमें इसे बेक करना है। हम इसे 180 डिग्री पे 40 मिनट के लिए बेक करेंगे प्री हीटेड ओवन में। 40 मिनट बाद ये कुछ ऐसा दिखता है। देखिए ये अच्छे से बेक हो चुका है, लेकिन अब हमें इसे निकालना नहीं है, हम इसे 1/2 घंटे बाद ठंडा होने के बाद निकालेंगे। 1/2 घंटा ठंडा होने के बाद मैंने इसे केक मोल्ड से निकाल दिया है। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ ये केक कैसा बना है। देखिए ये बहुत ही स्पॉन्जी है। जब भी मैं इसे प्रेस कर रही हूँ ये अच्छे से वापस अपनी जगह पर आ जा रहा है। इसका मतलब ये अच्छे से बेक हो चुका है और केक अंदर से बहुत ही स्पॉन्जी बना है। अब हमें इसे 2 हिस्सों में कट करना है। इसके लिए आप आपके पास जो भी नाइफ हो उसका इस्तेमाल कीजिए। आसानी के लिए मैंने इसे उल्टा कर दिया है। अब मैं इसे 2 हिस्सों में काट लूँगी।
ध्यान रखिए, जब भी आप इस केक को कट करोगे तो आपका जो नाइफ है वो बहुत ही शार्प होना चाहिए, और इसे हल्के हाथ से ऊपर से थोड़ा प्रेस करके फिर आप अपने केक को बीच से कट कीजिएगा, वरना आपका जो केक है वो टूट सकता है। देखिए, मैंने इसे दो हिस्सों में कट कर लिया है। अब मैं इसे हल्के हाथ से उठाऊंगी। देखिए, केक अंदर से भी बहुत ही अच्छे से बेक हुआ है और ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। अब मैंने दोनों ही हिस्सों को दो अलग अलग प्लेट में निकाल के फोक की मदद से इस पर हल्के से छेद किए हैं। पूरे छेद नहीं करना है, सिर्फ ऊपर से थोड़ा थोड़ा हमें इसे टच करना है, ताकि इसके ऊपर मैं अभी शुगर सिरप डालने वाली हूँ, वो सारा शुगर सिरप इसमें अच्छे से सोख हो जाए। यहाँ पर मैंने शुगर सिरप ले लिया है। चम्मच की मदद से आप इस पर ये हमारी चाशनी डालिए। ये नॉर्मली मैंने शक्कर की चाशनी बनाई है, बस ध्यान रखिए कि आपकी जो चाशनी हो वो ज़्यादा गाढ़ी ना हो। ये मैंने चाशनी इस केक के हिस्से पे भी डाल दी है। इससे क्या होता है कि आपका जो केक है वो खाते समय अंदर से बहुत ही क्रीमी और मॉइस्ट रहता है, इसके लिए हमें ये चाशनी इस पर डालनी रहती है। अच्छे से स्प्रेड कीजिएगा। अब हमें इसे ऐसे ही 30 मिनट के लिए या थोड़ी देर के लिए 15-20 मिनट तक छोड़ देना है। तब तक हम बना लेंगे हमारा चॉकलेट का गनाश या हमारी चॉकलेट की ड्रेसिंग। इसके लिए मैंने कंपाउंड चॉकलेट लिया है, उसके 2 बार मैंने लिए हैं। अब उसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 कटोरी क्रीम या मलाई, आपके पास जो भी अवेलेबल हो, और साथ ही में इसमें जाएगा 1 चम्मच बटर। ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे जो कंपाउंड चॉकलेट लिया है वो मिक्स कंपाउंड चॉकलेट है, पूरा डार्क या पूरा वाइट कंपाउंड नहीं है, इसलिए थोड़ा सा मीठा है। ठीक है, अब इसे हमें माइक्रोवेव करना है। माइक्रोवेव में 2 से 3 मिनट मैंने इसे मेल्ट कर लिया था। बस 2 से 3 मिनट में ही अच्छे से चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप डबल बॉयलर मेथड से भी ये चॉकलेट मेल्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप एक भगोना लीजिए, उसमें पानी को गर्म कीजिए। जैसे ही पानी उबलता है उसके ऊपर आप दूसरा बर्तन रखिए और उसमें आप अपनी चॉकलेट डालिए और चम्मच से मिला लीजिए, तो चॉकलेट जो है स्टीम से अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। देखिए, मेरी ये चॉकलेट यहाँ पर अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसे केक के ऊपर डालेंगे। ये मैंने केक का एक हिस्सा लिया है, इसके ऊपर जो शुगर सिरप डाला था वो अच्छे से इसने सोख कर लिया है। अब हम इस पर डालेंगे हमारा चॉकलेट का गनाश जो अभी हमने बनाया था। मैंने यहाँ पे चम्मच की मदद से इस पर डाला है और इसे हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। देखिए, मैं यहाँ पे कोई फैंसी इक्विपमेंट यूज़ नहीं कर रही हूँ, जो घर पे हमारी चीज़ें अवेलेबल होती है उसी से हम ये केक बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो एक फ्लैट चम्मच बस हमें चाहिए, आपके पास स्पैचुला हो तो बहुत अच्छा है, स्पैचुला की मदद से या कोई भी जो ऐसा फ्लैट चम्मच हो उससे आप क्या कीजिए, ये जो पूरा चॉकलेट क्रीम है, चॉकलेट गनाश, इसे पे अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। सारे हिस्सों पे, सारे कॉर्नर्स पे हमें चॉकलेट क्रीम अच्छे से स्प्रेड करनी है। देखिए, ये अच्छे से स्प्रेड हो चुका है। पूरे केक को हमें अच्छे से कवर करने के बाद जो हमारा केक का दूसरा हिस्सा है वो हम इस पे ऊपर रखेंगे। देखिए, हल्के हाथ से आपको अपना केक का दूसरा हिस्सा लेना है और इस पे रख देना है। ये अच्छे से हमने इस पे रख दिया। अब हमें चाहिए एक रैग। आप यहाँ पे कोई भी रैग यूज़ कर सकते हो, बस आपको जो केक है उसे ऊपर रखना है। अब इस केक पे मैं कांटे की चम्मच से थोड़े हल्के हल्के छेद कर लूँगी वापस से। देखिए, मैंने हल्के से ही, बस ऊपरी ही मैंने इस पे थोड़े से हल्के से छेद कर लिए हैं। अब हम इस पे डालेंगे हमारा तैयार किया हुआ चॉकलेट का गनाश। ये मैंने हमारी तैयार की हुई चॉकलेट क्रीम अब इस पे डाल रही हूँ। इसे थोड़ा थोड़ा करके डालिए और अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। ये देखिए, ये बहुत आसानी से स्प्रेड हो रहा है। अगर आपको लगता है कि आपका चॉकलेट जम गया है तो फिर से उसे गर्म कर लीजिएगा या फिर उसमें हल्का सा दूध डालिएगा, तो आपका जो चॉकलेट गनाश है वो वापस इस कंसिस्टेंसी का हो जाएगा। अब बचा हुआ चॉकलेट गनाश भी मैं इस पर डाल लूँगी। चम्मच की मदद से हम सारे कॉर्नर्स पे चॉकलेट क्रीम को अच्छे से फैला लेंगे। देखिए, इस तरह से सारे कॉर्नर्स को हमें अच्छे से कवर अप कर लेना है ताकि कोई भी कॉर्नर छूटे ना।
पूरे केक को मेल्टेड चॉकलेट से अच्छे से कवर करने के बाद हल्के हाथ से जो हमारा चम्मच है उससे हम इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। साइड से भी इसे इवनली स्प्रेड करना है और पूरे कवर को हमें चॉकलेट से अच्छे से कवर करना है। ये मैंने पूरे केक को अच्छे से इवनली स्प्रेड कर दिया है चॉकलेट। अब ये मेरा केक ऑलमोस्ट रेडी है। अब हमें इस केक को फ्रिज में रखना है 15 से 20 मिनट के लिए चॉकलेट सेट होने के लिए। आप चाहे तो आधे घंटे तक भी इसे फ्रिज में रख सकते हो। एक बार चॉकलेट सेट हो जाती है तो केक कुछ इस तरह दिखेगा। अब मैंने यहाँ पे बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स लिए हैं केक को डेकोरेट करने के लिए। आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल हो आप उससे केक को डेकोरेट कर सकते हो। अगर आपके पास चेरीज हैं तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए, अगर आपके पास टूटी फ्रूटी है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट का यूज़ किया है क्योंकि ड्राई फ्रूट यूज़ करने से केक में एक क्रंच आता है जो खाते वक्त बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़े ड्राई फ्रूट्स लिए हैं बारीक कटे हुए और पूरे केक पे मैं इसे अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ। देखिए पूरे केक को हमें अच्छे से कवर करना है। देखिए मैंने केक को अच्छे से कवर कर लिया है ड्राई फ्रूट से। अब ये केक मेरा रेडी है, मैं आपको ये कट करके दिखा देती हूँ। देखिए केक कट करते वक्त ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये केक कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। अब मैं इस केक को एक प्लेट में निकाल लिया है, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। मैं आपको ये दिखा देती हूँ, देखिए कितना सॉफ्ट मॉइस्ट और स्पॉन्जी है, कितने आसानी से ये कट हो गया और ये टेस्ट भी बहुत अच्छा करता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।